सो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइस आ गए हम एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर दो। जैसा कि आप सभी लोगों से मैंने बोला था कि जैसे ही हमारे पबजी मोबाइल लाइट 0.19.0 का अपडेट आएगा तो मैं उसका आपको डायरेक्ट डाउनलोड लिंक दूंगा। तो गाइस हमारा 0.19.0 का अब ऑफिशियल ग्लोबल अपडेट आ चुका है। तो गाइस अगर आपने अभी तक पबजी मोबाइल लाइट डाउनलोड नहीं किया है, जो नया अपडेट आया, तो डिस्क्रिप्शन में उसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक है, जाओ और उसको डाउनलोड कर लो। तो गाइस आज की इस धमाकेदार वीडियो में गाइस मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि गाइस हमारे PUBG Mobile Lite 0.19.0 का अपडेट कब आएगा और कैसे आएगा। तो गाइस हमारा जो है गाइस PUBG Mobile Lite 0.19.0 का गाइस ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, जो कि गाइस हमारे पर क्या बोलते हैं प्ले स्टोर पर गाइस आ चुका है, जो कि गाइस हमारे PUBG Mobile Lite हमारे इंडिया PUBG Mobile और PUBG Mobile Lite इंडिया में बैन हो चुके हैं। तो गाइस ये सभी लोगों को पता है कि हमारा PUBG Mobile Lite और PUBG Mobile हमारे इंडिया में बैन हो चुके हैं। तो गाइस अब आपको कैसे अपडेट करना है, तो डिस्क्रिप्शन में गाइस मैंने एक धमाकेदार एपीके प्योर वेबसाइट का लिंक दिया है, जहाँ से गाइस आपको ये इजीली डाउनलोड करने वाला है। तो गाइस कतई तबाही हो चुकी है, और गाइस आप सभी लोगों को गाइस जैसे मैंने आप सभी लोगों को कहा था कि गाइस डायरेक्ट डाउनलोड लिंक दूंगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस सबसे पहला फीचर आया यहाँ पर हमें ऑटो, तो गाइस हमारे PUBG Mobile Lite में गाइस एक ऑटो ऐड की गई है, देख सकते हैं कतई तबाही है। और साथ ही गाइस हमारे जो नया अपडेट है उसमें गाइस ज़ॉम्बी मोड ऐड हुआ है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मज़ा आ रहा होगा। तो गाइस आप थोड़ा सा देख लेंगे गाइस क्या क्या हमारे अपडेट में मिले। तो गाइस यहाँ पर वही व्हीकल है, ज़ॉम्बी मोड के साथ साथ गाइस काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार फीचर भी गाइस हमारे PUBG Mobile Lite के नए अपडेट में आए हैं। और अगर आप भी अपडेट करना चाहते हैं, कौन कौन सबसे पहले अपडेट करना चाहता है, तो बस अभी डायरेक्ट डाउनलोड करने मत चले जाना। गाइस पहले वीडियो देख लो, वीडियो को पूरा वॉच टाइम दे दो, फिर चले जाना डायरेक्ट डाउनलोड करने। तो बस आगे मैंने प्रोसेस बताया कि कैसे गाइस उन बंदों को कैसे डाउनलोड करना है जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो गाइस अगर आप भी चाहते हो डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मिले तो चैनल को अभी कर दो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दो, ताकि गाइस आपको डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मिल जाए। तो गाइस यहाँ पर कतई एक ऑटो मिली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओपी है। साथ ही गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें नई व्हीकल मिली है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कतई ओपी लग रही है। गाइस इसको क्या बोले हम, इसको हम टार्जन बोलेंगे, हमारी भाषा में टार्जन मिली है, जो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार कार है। और गाइस काफ़ी ज़्यादा नए नए फीचर्स ऐड हुए हैं, जो कि गाइस हमारे 0.19.0 ऑफिशियल अपडेट में। तो गाइस अगर आप लोग भी इस अपडेट को डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक है, जाओ और डाउनलोड कर लो। तो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो गाइस जिन लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, और अगर सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो आगे देख लो कैसे फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा फिर आपको। तो दिखाता हूँ कैसे आपको फाइल को डाउनलोड करना है। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, देख लो कैसे फाइल को डाउनलोड करना है। भाई साहब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको मेरे दिए गए लिंक से फाइल को कैसे डाउनलोड करना है। अगर आप मेरे दिए गए लिंक से फाइल को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो गाइस आपको सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना है, और कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है, मैं आपको एक घंटे के अंदर लिंक दे दूंगा। तो मैं आपको बताता हूँ डाउनलोड कैसे करना है। आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में जाना है और दिए गए लिंक पर एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस आपको सिंपली उस लिंक को क्रोम ब्राउजर में ओपन करना है। जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करेंगे, तो आपको सिंपली टेक मी जैसे ग्रीन बॉक्स दिख रहा होगा, आपको उस पर टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे, कुछ इस तरीके का पेज लोड होगा, तो आपको सिंपली सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन पर एक बार टैप कर देना है। जैसे आप उस पर टैप करेंगे, तो गाइस एक नया पेज खुलेगा, आपको उस पेज को ओपन नहीं करना है, आपको वापस से उसी स्लाइड पर जाना है और वापस उस पर टैप करना है। जैसे ही उस पर ग्रीन टिक लग जाए, तो आपको वापस आना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करना। उसके बाद गाइस आपको अपनी रीसेंट टैब से बैक आना है। रीसेंट टैब पर बैक आने के बाद आपको वापस क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और लाइक प्लस कमेंट पर टैप करना। जैसे ही उस पर टिक लग जाए, आपको वो एक नए पेज पर लाएगा, तो आपको उस वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट कर देना है। कमेंट कर जो भी आप कमेंट करना चाहें भाई, आप वो कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो या आपको जैसी वीडियो लगी, आपको वैसा कमेंट कर देना भाई। कमेंट करने के लिए मैं अब आपको बता देता हूँ कैसे आपको कमेंट करना है। सिंपली आपको कमेंट कर देना गाइस। अब भाई मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ, जब तक कमेंट चल रहा है मैं आपको ये लिंक इसलिए देता हूँ, वरना मेरा चैनल बैन हो सकता है, क्योंकि मैं पेड फाइल को फ्री में देता हूँ। इसलिए गाइस मेरा चैनल बैन हो सकता है, इसलिए गाइस मुझे ये लिंक्स बनाने पड़ते हैं। तो गाइस सिंपली फिर उसके बाद आपको वापस अपनी रीसेंट ऐप में जाना है और क्रोम ब्राउजर में जाना है। सिंपली गाइस आपको अनलॉक पर टैप कर देना है। जैसे ही आप अनलॉक पर टैप करेंगे, एक नया पेज रीलोड होगा, आपको उस पेज को थोड़ा रीलोड होने देना है। जैसे वो पेज लोड हो जाए, तो आपको वापस से रीसेंट टैब में आने के बाद, मतलब उस प्रीवियस स्लाइड पर चले जाएं जो पहली स्लाइड थी, और सिंपली आपको मीडिया फायर का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप टैप करके इजीली फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं आपको मीडिया फायर का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप फिर भी डाउनलोड ना कर पाए, तो कमेंट कर देना, मैं आपको एक घंटे के अंदर लिंक सेंड कर दूंगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर।